दोस्तों, फलों के कई फायदे होते हैं जिस कारण सब इनका सेवन करते हैं। बेशक आप सभी फलों को जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ जिस फल की बात कर रहे हैं उनको कम ही लोग जानते हैं। इस फल का नाम है ड्रैगन फ्रूट। आपको बता दें दोस्तों कि ड्रैगन फ्रूट भारतीय फल नहीं है, लेकिन इसके लाजवाब स्वाद और लाभकारी फायदों के कारण भारत में भी इस फल की मांग बढ़ी है। यही वजह है कि अब भारत में भी इसकी खेती होने लगी है, जिसका इस्तेमाल लोग बड़े बड़े बिजनेस के रूप में भी कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे होती है बताएंगे, जिसकी मदद से आप भी इसे एक बड़े बिजनेस के तौर पर चला सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेट पर कर दीजिएगा, ताकि इससे संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को अलग अलग मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। लेकिन गाइस, हमें यह भी ध्यान रखना है कि जल भराव वाली जगह पर उसके पौधे नहीं लगाने चाहिए, मतलब इसकी जड़ों में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके खेत को अच्छे तरीके से जोतकर समतल बना लेना चाहिए, ताकि मिट्टी में मौजूद सारे खरपतवार खत्म हो जाएं। उसके बाद खेत के एरिया के हिसाब से खाद के साथ साथ पोटैश और फॉस्फोरस को अच्छे से बिखेर कर मिट्टी में मिला लेना चाहिए। इसके बाद मई के महीने में तैयार किए गए खेत में 2x2 मीटर की दूरी पर 50x50x50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदकर खुले छोड़ देने चाहिए, ताकि गड्ढों में अच्छे से धूप लग जाए और सारे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं। दोस्तों, वैसे तो इसकी खेती दो तरह से कर सकते हैं, पहला बीज के माध्यम से और दूसरा ग्राफ्टिंग, जिसे हम कलम विधि भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी किसान पहली विधि मतलब बीज के माध्यम से इसकी खेती नहीं करता, क्योंकि बीज से पौधे तैयार होने में और फल आने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। इसीलिए इसकी खेती के लिए हमें इसके पौधों को काट कर लगाना चाहिए, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जिससे जल्दी फल उग सके। दोस्तों, ये जरूर ध्यान में रखें कि रोपने से पहले इसके सैंपल्स को छाया में रखा जाना चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी से इसकी सैंपलिंग को नुकसान न पहुंचे। इन पौधों को मिट्टी, बालू और गोबर के 1:1:2 के अनुपात में मिलाकर रोप देना चाहिए। इसके बाद गड्ढों में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी डालने के साथ कंपोस्ट और 100 ग्राम फॉस्फोरस भी डालना चाहिए। गड्ढों की भराई के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। जब तक ये पौधे अच्छी तरह से पनप न जाएं, तब तक रोजाना दोपहर बाद इसकी सिंचाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि दूसरी फसलों की तुलना में ड्रैगन फ्रूट को कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई बेस्ट रहती है। इस तरह से 1 एकड़ खेत में ज्यादा से ज्यादा 1700 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जाने चाहिए। इन पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें इसके पौधों में पोल लगाना पड़ता है, जिसकी लंबाई 7 फीट होती है, 2 फीट जमीन के अंदर रहता है और 5 फीट ऊपर पौधे के सहारे के लिए।
इसके अलावा आपको इसके ऊपर तख्त की जरूरत पड़ती है जो कंक्रीट या लकड़ी का हो सकता है, जिसमें चार छेद होते हैं, यानी आप इस पोल पर चार पौधे लगा सकते हैं। फूल आने के एक महीने बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता कि फल तोड़ने लायक हुए हैं या नहीं, तो आप इसे इसके रंग से समझ सकते हैं। जब फल का रंग 70% लाल या पीला हो जाए तो इसे तोड़ लेना चाहिए। रंग बदलने से 3 से 4 दिन के अंदर इन्हें तोड़ लेना सही होता है, लेकिन अगर फलों को निर्यात करना हो तो उसे 1 दिन के अंदर ही तोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अनोखा दिखने वाला ये फल रात के वक्त ज्यादा तेजी से बढ़ता है, यही वजह है कि इसे क्वीन ऑफ द नाइट भी कहा जाता है। अब दोस्तों, अगर बात करें इसके फायदों की, तो ड्रैगन फ्रूट में औषधीय गुण जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है, जो मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अब इन सब के बाद हम आपको बताएंगे कि किसानों को ड्रैगन फ्रूट की कौन सी वैरायटी से फायदा हो सकता है और उन्हें कौन सी वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी चाहिए। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की 3 वैरायटी होती हैं, जिनको रंगों के आधार पर बांटा गया है। पहला है सफेद ड्रैगन फ्रूट, जिसकी खेती भारत में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पौधे आसानी से लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन बाकी वैरायटीज के ड्रैगन फ्रूट से इस वैरायटी का दाम कम पाया जाता है। दिखने में ये फल काटने के बाद अंदर से सफेद दिखाई देता है, जिसमें काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं। दोस्तों, दूसरी वैरायटी मतलब लाल गुलाब वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट भारत में कम ही देखने को मिलते हैं। देखने में ये फल अंदर और बाहर दोनों तरफ से गुलाबी रंग के होते हैं। इसका बाजार भाव सफेद वैरायटी से ज्यादा होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। इसके बाद है दोस्तों इस फल की आखिरी वैरायटी, जो कि पीले रंग की होती है। पीले रंग का ड्रैगन फ्रूट भारत में सबसे कम देखने को मिलता है, जो बाहर से पीला और अंदर से सफेद होता है। इस वैरायटी की कीमत बाकी वैरायटी से सबसे ज्यादा होती है और जो खाने में भी सबसे स्वादिष्ट होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको पीली वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट के पौधे मिलते हैं, तो सबसे पहले आप उनकी खेती कीजिए। अगर पीली वैरायटी के पौधे नहीं मिल पाते हैं, तो उसके बाद लाल गुलाब वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी चाहिए, और अगर लाल गुलाब वैरायटी के ड्रैगन फ्रूट भी नहीं मिलते हैं, तब आप सफेद किस्म के ड्रैगन फ्रूट की खेती कीजिए। इसके बाद दोस्तों, अब हम इसके बिजनेस में होने वाले फायदे की बात करेंगे। आमतौर पर ड्रैगन फ्रूट एक सीजन में 3 से 4 बार फल देता है, जिसके एक फल का वजन होता है 300 से 800 ग्राम। तो इस प्रकार से 1 एकड़ में 300 पोल लगेंगे। हर पोल पर 50 से 100 फल लगते हैं, जिसका अनुमानित वजन 20 से 30 किलो होता है। अगर हम हर पोल पर फलों का कम से कम वजन 20 किलो मान लें, तो 1 एकड़ में हमें 6000 किलो ड्रैगन फ्रूट मिलते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट में ड्रैगन फ्रूट 150 से 200 रुपए प्रति किलो मिलता है, तो उस हिसाब से 6000 किलो ड्रैगन फ्रूट से हम लगभग 6 से 8 लाख का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की एक खास बात ये भी है दोस्तों कि इसके पौधों में अब तक किसी तरह के कीट लगने या पौधों में किसी तरह की बीमारी होने का मामला सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी ड्रैगन फ्रूट की खेती से रिलेटेड सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।